न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। नमस्कार, मैं हूँ राज पांडे, आप देख रहे हैं CEN न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की, लेकिन रिश्वतखोरी लगातार अपनी चरम सीमा पर है। ऐसा ही आज इंदौर लोकायुक्त की टीम को सफलता मिली है, जिन्होंने आवेदक मिस्त्री लाल गुप्ता पर आरोपी भूपेंद्र सिंह सोलंकी को रिश्वत देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी भूपेंद्र सिंह सोलंकी उद्यान विस्तार अधिकारी बड़वानी एवं सरपंच पति सेगाव जिला खरगोन शासन की प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवेदक मिस्त्री लाल गुप्ता निवासी बस स्टैंड सेगाव को आवास निर्माण हेतु 1,35,000 स्वीकृत हुए थे तथा आवास की प्रथम किश्त 25,000 आवेदक के नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक के खाते में जमा करा दी गई थी। ये खरगोन जिले के सेगांव तहसील की सरपंच हैं संजना सोलंकी। इनके पति भूपेन सोलंकी के द्वारा आवेदक मिश्रीलाल गुप्ता हैं, उनका आवास योजना में जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास स्वीकृत हुआ था, जिसकी 1,35,000 की राशि उन्हें स्वीकृत हुई है। तो आवास योजना की जो स्वीकृत राशि थी उसके एवज में 40,000 रुपये की रिश्वत की मांग उनके द्वारा की जा रही थी। पहली किस्त के 25,000 रुपये की राशि उनके खाते में नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक में आ गई है और उस राशि के आने के बाद 5,000 रुपये की रिश्वत भूपेंद्र सिंह सोलंकी जी को इनके द्वारा दी गई थी। उसके बाद बाकी की रिश्वत राशि के लिए इन पर दबाव बनाया जा रहा था, तो उसी राशि को देने के लिए इन्होंने जो है शिकायत करी थी लोकायुक्त SP साहब को 8 तारीख को, जिस पर आज ट्रैप दल का गठन किया गया था। शिकायत सही पाई गई थी और आज 5,000 रुपये की दूसरी किस्त लेते हुए भूपेंद्र सिंह सोलंकी को जो है इनके निवास पे ही ट्रैप किया गया है और अभी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं इसमें। इनकी पत्नी सरपंच है सर वहाँ पर? हाँ, क्या नाम है? पत्नी जो है संजना सोलंकी, सेगांव की सरपंच हैं।